Yes, hello to all of you. We welcome you all to this new session on Daily News Digest, जिसमें आज हम 14 तारीख का 14th of October का न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे. I'm sharing my screen and starting with the first articles for the day. इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स लिए हैं मैंने आज. पहला आर्टिकल जो मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है इश्यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस एंड व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू. अब इस आर्टिकल में बेसिकली बात हो रही है रेयर डिजीजेस. तो रेयर डिजीजेस एज अ टर्म स्टूडेंट शुड बी अवेयर ऑफ. ऑर्फन डिजीजेस या ऑर्फन ड्रग्स भी एक टर्म है जो इस आर्टिकल में मेंशन है, जो मैं चाहूंगा आप लोग देखें. और आई थिंक एज फार एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंसर्न दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो साइंस एंड टेक में वैसे भी बहुत ज्यादा आर्टिकल्स नहीं होते, लेकिन जब होते हैं हेल्थ सेक्टर के या साइंस के आर्टिकल्स तो वो आप लोगों को इन डिटेल देख लेने चाहिए. तो इस आर्टिकल में कैटेगरीज लिखी हुई हैं रेयर अर्थ डिजीजेस की. रेयर डिजीजेस की कितने तरह के होते हैं और ग्रुप वन, ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री, जिनमें उन्होंने कहा है कि एक वन टाइम क्यूरेटिव प्रोसीजर से सही हो जाता है. दूसरा है जिसमें थोड़ा लेस कॉस्टली होता है, और तीसरा है जिसमें इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल. तो दीज आर द थ्री ग्रुप्स अंडर विच दीज रेयर डिजीजेस हैव बीन क्वालिफाइड. फंडिंग पॉलिसी फिर सरकार की इसमें काफी डिटेल में मेंशनड है. यू कैन रिमेंबर द नंबर्स हेयर, कुछ नंबर्स इस आर्टिकल में लिखे हुए जो आप, मैं चाहूंगा कि पढ़ें. और ये उसके बाद ऑर्फन डिजीजेस किस तरह से इनकी टैक्सेशन होती है, व्हाट कैन इंडिया डू इन दिस रिगार्ड, तो उस पे कुछ स्पेसिफिक सजेशंस यहाँ पे लिखे हैं. आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल बोथ इन द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेन्स पार्ट ऑफ द एग्जाम, है ना. और इसलिए मैं इसको ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एंड ड्यू टू दिस आई बिलीव रेयर अर्थ, ये रेयर डिजीजेस इज वन टॉपिक विच इज वेरी फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड. अब मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें जो इस टॉपिक से ऊपर पूछे गए हैं. तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ PYQs फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. जैसे जीका वायरस पे देर हैज बीन अ क्वेश्चन, ट्रॉपिकल रीजन पे जीका वायरस डिजीज 2017 में ये सवाल पूछा था यूपीएससी ने. एबोला पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी 2015 में, दिस वॉज वेरी मच इन द न्यूज. फिर हेपेटाइटिस बी और सी, वोलबाकिया मेथड लास्ट ईयर 2023 में क्वेश्चन आया था. मच्छरों की पॉपुलेशन को रोकने के लिए ये टर्म यूज किया जाता है. तो आई थिंक यूपीएससी हैज टाइम एंड अगेन आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड यू शुड गो थ्रू वेरी सिंसियरली रेयर अर्थ जो डिजीज रेयर डिजीजेस जो है उनके ऊपर जो क्वेश्चन आ रहे हैं. फिर एक आर्टिकल और है, ये भी इंडियन एक्सप्रेस का ही है, जिसमें इंटर्नशिप स्कीम की बात हुई है. दैट इंटर्नशिप स्कीम इज ओपनिंग अप फॉर कैंडिडेट्स टू रजिस्टर, जहां पे 80,000 पोजीशन को लिस्ट किया गया. अब यहाँ पे सिंस इट्स अ गवर्नमेंट स्कीम, एवरी सिंगल गवर्नमेंट स्कीम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो स्कीम में जो 21 से 24 ईयर्स के यूथ है उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि इनवाइट किया जा रहा है एक तरह से कि आइए और आप इस इंटर्नशिप स्कीम का पार्ट बनिए, ताकि बहुत सारी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड, वहां पे स्टूडेंट्स या इंटर्न्स जो हैं वो उनके बारे में बेहतर जान सके और उनकी स्किल्स का इनहांसमेंट हो सके. तो आई थिंक दिस आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम टू परस्पेक्टिव. पहला तो ये कि ये आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक फैक्चुअल नेचर की इन्फॉर्मेशन है, साथ में दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन दैट इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी विच हैज बीन स्टार्टेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो उस सेंस में मैंने इस आर्टिकल को शेयर किया है. इस पे कुछ डेटा है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर याद रखें और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट. सर, आपने रेयर डिजीज की बात की, तो क्या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या होती है? सर रेयर डिजीजेस या ऑर्फन डिजीजेस जो होते हैं ना, ये वो डिजीजेस हैं जो बहुत ही छोटी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को होते हैं. ये ऐसे डिजीजेस हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं होती है, बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती है, और इन सब के नहीं होने का कारण ये है कि दे डू नॉट हैव अ ह्यूज मार्केट. लाइक कफ एंड फीवर लगभग हर इंसान को हो सकता है, ये वैसे डिजीजेस नहीं. ये ऐसे डिजीजेस हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन को होते हैं. इसी वजह से इनके जो ड्रग्स हैं वो काफी अनअफोर्डेबल भी रहते हैं, काफी कॉस्टली रहते हैं. एंड एक प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इन पर बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी नहीं है. तो गवर्नमेंट अलग से अब कोशिश कर रही है या उसको एक एफर्ट इंडेवर लगा रही है कि कैसे इस रेयर अर्थ, ये जो रेयर डिजीजेज हैं, इनके इनपे ऊपर टैक्सेस लगना जो लग रहे हैं उनको कम किया जा सके, ताकि इनको इनकी जो ट्रीटमेंट है उसको भी अफोर्डेबल बनाया जा सके. तो दिस इज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट कन्हैया सर टू टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड. थैंक यू सर। आज के दो आर्टिकल्स जो मैं ले रहा हूँ, जो है द हिंदू से, फर्स्ट जो है एडिटोरियल देख पा रहे हो, ये अर्बन प्लानिंग के ऊपर है, क्रिटिकल मैसेज फॉर अर्बन इलीट। तो इसमें सर बात जो की गई है वो स्टूडेंट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है अर्बन हीट वेव्स। सो हीट वेव्स का लास्ट ईयर काफ़ी इशू आया था,
इन द समर मंथ्स। तो हीट वेव के ऊपर यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन किया गया है, हाउ अर्बन प्लानिंग अफेक्ट्स दिस और मेक्स द अर्बन एरिया से हीट आइलैंड। तो कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या रीजन है, और सबसे ज्यादा अफेक्टेड पॉपुलेशन उसमें कौन सी होती है, तो यहाँ डिस्कस किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पर डिस्कस किया गया उसमें अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इज हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट दिस अर्बन हीटिंग। तो ये कैसे अफेक्ट करता है, उसमें अर्बन डिजाइन एंड विच इंक्लूड्स कॉन्क्रीट एस्फाल्ट ग्लास ग्लास स्ट्रक्चर्स एटसेट्रा विच रिटेन्स हीट्स। तो ये सब इसके रीजन्स हैं। इसमें एक चीज और बताई गई कि जो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन होती है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल पुअर अर्बन प्लानिंग की वजह से जो डिलीवरी बॉयज हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, वुमेन डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जो फ्रिक्वेंटली बाई फूड ट्रेवल करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं रदर देन जो रिच होते हैं। जो रिच पॉपुलेशन होते हैं उसमें यहाँ पर एक अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया गया है टेक्नोलॉजी के ऊपर कि कंफर्ट प्रोवाइडेड बाय टेक्नोलॉजी फर्दर इंसुलेट द प्रिविलेज्ड फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ अर्बन लाइफ। तो एयर कंडीशनिंग है, होम डिलीवरी का ऑप्शंस हैं, कैब्स, ट्रेवलिंग बाय कैब्स, तो ये सारे जो डोर स्टेप सर्विसेज हैं इन सब की वजह से एक इंसुलेशन हो जाता है कि जो प्रिविलेज्ड हैं दे कैन नॉट नो द इफेक्ट्स ऑफ दिस और कैन नॉट बी गेट अफेक्टेड बाय दिस हीट आइलैंड इफेक्ट। तो एक ये भी इशू है। इसमें जो टेक इनेबल्ड इकोसिस्टम जो बनाया हुआ है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, वो कंसेप्ट ऑफ लग्जरी को रीडिफाइन करता है, जो एक एक टाइप का कंफर्ट ट्रैप बना रहा है, वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सो इट ऑल्सो लीड्स टू ह्यूमन डोमेस्टिफिकेशन, सॉरी डोमेस्टिकेशन एंड ऑल्सो डिटेचमेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट अराउंड अस। तो एक टाइप का आप अपने इन्वायरमेंट से डिटेच हो जाते हो, तो एक ये इशू हो जाता है। यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल एंगल्स हैं जो अपने काम के नहीं है इसमें जो डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पर हीट वेव इंपॉर्टेंट हो जाता है GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हीट वेव्स का एज ए डिजास्टर्स को कंसिडर करें तो NDMA ने क्या कोई गाइडलाइन निकाली है गैस के ऊपर, तो ये मेन्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कितना डिग्री टेम्परेचर होता है तब हम उसको हीट वेव कंसिडर करते हैं, तो ये इस पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट में यहाँ पर दे रखा है कि कैसे रिकनेक्ट किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड क्या है, तो ये स्टूडेंट को नोट डाउन करना चाहिए। हाउ द रियल चैलेंजेस इज द ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दिस कंफर्ट ट्रैप, रिकनेक्टिंग विद अवर सिटीज एंड ऑल्सो विद द इन्वायरमेंट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। हाउ वी आर लूजिंग आवर पब्लिक स्पेसेस एंड आवर एबिलिटी टू इंजॉय आउटडोर एक्टिविटीज ड्यू टू इंक्रीजिंगली फ्रिक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिसको क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट किया जा सकता है। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस पार्ट ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। सेकेंड भी ओपिनियन पेज में द हिंदू से मैंने लिया है सेकेंड आर्टिकल, ये है राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर। यहाँ पर तीन चार चीजें जो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट थिंग विल बी अबाउट दिस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये स्टूडेंट को रीड करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बोल्ड स्कीम एंड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर कुछ इश्यूज बताए गए हैं कि हाउ द सीट्स आर वैकेंट, और जब सीट्स वैकेंट हैं एट द सेम टाइम एक इशू है कि मोर देन 4 लाख अपील्स एंड कंप्लेन्स आर पेंडिंग इन इंफॉर्मेशन कमिश्नर कमीशंस अक्रॉस इंडिया। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो सीट्स वैकेंट है ऑलरेडी और उसके अलावा जो पेंडिंग कंप्लेन्स हैं अपील्स हैं वो उसको उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देता है, तो एक ये इशू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो भी एक यहाँ पर एज ए इशू बताया गया है इस केस में, कि कैसे इस जो एक्ट के इंटेंशंस थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताया गया है कि इसने कैसे एग्जेम्प्ट कर दिया है ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, जबकि जो इसके पहले RDI एक्ट में प्रोविजंस था उसमें कुछ कंडीशंस दे रखे थे कि हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को किस केस में नहीं डिस्क्लोज करना है, तो उसका पब्लिक इफेक्ट कितना है, पब्लिक इंटरेस्ट को कैसे अफेक्ट कर रहा है, उसके साथ क्या रिलेशन, ये सारी चीजें, इन सबको हटा के डायरेक्टली यहाँ पर सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट कर दिया है, ये भी एक इशू है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ डाटा मेंशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। एक और एक्ट है जो यहाँ मेंशन है इम्पोर्टेंट है, वो है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एक्ट हो जाता है इस आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है। जो फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स में डायरेक्टली एक्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, कोई कमिटी के ऊपर बन सकता है, एंड मेंस में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन करंट सिनेरियो, जो फॉर एग्जाम्पल पेंडिंग ऑफ केसेस हैं उसके बारे में, तो इसमें मेंस क्वेश्चन बन सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके सर, इसमें आपने बताया कि डेटा से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो इसके लिए कोई कमिटी भी बनी है क्या?
यस सर, जो डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, इसका जो प्रोविजंस हैं वो कुछ पार्ट जो इसका है वो रिकमेंडेशन है बी एन श्री कृष्णा कमेटी के, जो 2017 में गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ने फॉर्म की थी। तो कमिटीज पे कभी कभी सर क्वेश्चन बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल इन प्रीलिम्स में इज द कॉलम दे सकते हैं या डायरेक्टली भी आ सकता है। सिमिलरली मेंस में द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी कैन बी पुट इन दिस वे फॉरवर्ड फॉर्मेट इन दी आंसर्स, सो ये भी कर सकते हैं। तो ये दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है इस कमिटी एंगल के परस्पेक्टिव से। सो ये दो आर्टिकल आज के लिए जो थे। नाउ आई थिंक गनी सर शुड कंटिन्यू। मेरे पास भी कुछ आर्टिकल थे जो आज के न्यूज़पेपर में थे, तो आई थिंक दैट आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहला आर्टिकल हमारा अगेन आसियान से रिलेटेड है। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी आसियान की मीटिंग चल रही है, इसमें पीएम मोदी भी अटेंड कर रहे हैं उस मीटिंग को। लाओस में हो रही है इस बार मीटिंग, और ये बेसिकली इट्स अ 30th एनिवर्सरी ऑफ द लुक ईस्ट पॉलिसी एंड दी 10th एनिवर्सरी ऑफ दी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे तीन चार चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू नो मोर अबाउट दी आसियान, ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 में आता है। और अब इसमें आप देख सकते हैं कि आसियान क्या है, कौन सा फोरम है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके एम्स क्या हैं, हु आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ द आसियान, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ आसियान विद इंडिया, इज इंडिया इज अ मेंबर कंट्री और नॉट, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आसियान फॉर इंडिया, सिमिलरली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया फॉर द आसियान, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द आसियान। यहाँ पे चैलेंजेस तो काफी सारे हैं जो हमेशा से रहे हैं। एक कनेक्टिविटी का एक इशू रहा है, एक चाइना का इशू रहा है यहाँ पे, और साउथ चाइना सी का एक इशू रहा है यहाँ पे। बट अभी एक और इशू आ गया नया नया जो आर्टिकल में मेंशन है, वो है डी ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक डी ग्लोबलाइजेशन इज अ न्यू चैलेंज फॉर आसियान। तो इसको भी आप थोड़ा सा डिटेल में कवर करें। यहाँ पे ईस्ट एशियन फोरम के बारे में भी आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, सेम पॉइंट्स की, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, हु आर द मेंबर ऑफ दिस फोरम, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईस्ट एशिया समिट फॉर द इंडिया, एंड ट्राई टू नो मोर अबाउट द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, फॉरन पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट की, तो उसके बारे में जरा और डिटेल में आप पढ़ें। यहाँ पे ऑल्दो मेंशन है कि वेयर डज दिस लीव इंडिया रिलेशन विद आसियान, तो काफी डिटेल में उन्होंने मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया उस पॉइंट को। और यहाँ पे कुछ डेटा दिख रखा हुआ, कुछ फैक्चुअल, जो ट्रेड बायलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड दी आसियान, तो ये डेटा भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके ओके इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन था कि डायरेक्टली आसियान और ईस्ट एशिया समिट से रिलेटेड क्वेश्चन था ये 2015 में पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। सिमिलरली देयर वाज अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2018 जिसमें उन्होंने कुछ ऑप्शन देख रखे हैं, यू टू मार्क द आंसर, आंसर सी द करेक्ट आंसर। ओके सिमिलरली मेंस में भी लुक ईस्ट पॉलिसी पे क्वेश्चन आ चुका है, तो प्रोबेबली इस बार एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू सर। सो आई हैव चोज टू आर्टिकल्स फ्रॉम टुडेज एडिशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, एंड दिस फर्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम द एडिटोरियल, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीएस पेपर 3, इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर। सो इट अंडरलाइंस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ द फूड्स सिक्योरिटी एक्ट, अंडर विच सब्सिडाइज ग्रेन्स इज प्रोवाइडेड टू 2/2 पॉपुलेशन। तो ये इस पे कुछ कुछ चैलेंजेस पे बात कर रहा है। पहला चैलेंजेस ये है कि स्टोरेज का इशू आएगा, कि अगर हमें फूड सब्सिडी देनी है इतने सारे लोगों को, अगर हमें एक फ्री में ग्रेन्स देने हैं, तो देर विल बी चैलेंजेस एसोसिएटेड विद लाइक स्टोरेज इशू। देन देर इज लाइक घोस्ट अकाउंट्स वगैरह बनते हैं, तो करप्शन का इशू ये बता रहे हैं। देन देर लाइक फूड सब्सिडी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वन ऑफ लार्जेस्ट एक्सचेकर को वो इफेक्ट करता है, राइट? दैट बिगेस्ट चंक फूड ये सब्सिडी के लिए दिया जाता है। एंड देन देयर इज अ लाइक इट डिट्रीमेंट द इनोवेशन इन एंड R&D इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो दीज आर द बेसिक चैलेंजेस दैट द एडिटर इज अंडरलाइनिंग इन दिस आर्टिकल। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, देर आर 2-3 फैक्ट्स। एक दो तीन कमेटी के बारे में बात है, रंगराजन कमेटी के बारे में बात है, जिन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेट्स दिया था। तो रंगराजन कमेटी के बारे में
स्टूडेंट शुड नो. देन देर इज अ लाइक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात है. दैट दे शुड नो दैट हु रिलीजेज दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन द केस यूएनडीपी एंड यूएनडीपी रिलीजेज दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. वॉट आर लाइक इंडिकेटर्स एसोसिएटेड विद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दे शुड नो अबाउट इट. एंड देन देर इज लाइक वन मोर रिपोर्ट दैट इज मैंशन एट द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट. तो ये फाओ करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. तो दीज आर टू फैक्ट्स चैलेंजेस मेंशन एंड द एंड देयर इज लाइक अ वे फॉरवर्ड. ये आप मेल्स के लिए यूज कर सकते हैं दैट व्हाट आर लाइक चैलेंजेस को कैसे हम लीव फ्रॉक कर सकते हैं. तो देयर इज लाइक अ मेंशनिंग ऑफ अ वे फॉरवर्ड व्हिच स्टूडेंट कैन यूज फॉर देयर मेन्स राइटिंग. सो मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल व्हिच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर जीएस पेपर 3 एंड प्रीलिम्स ऑल्सो. इट्स लाइक रूपी हिट्स रिकॉर्ड लो ऑफ 84 अगेंस्ट द यूएसडी. तो इसमें बेसिक टेक अवेज क्या है कि पहला ये है कि रूपी और जो डॉलर का एक जो एक रिलेशन है वो कैसे होता है कि हाउ द लाइक डॉलर गोज अप एंड रुपीज गोज डाउन. तो ये इसका इक्वेशन क्या है, हाउ डज इट हैपन, तो वो जानना चाहिए. आरबीआई क्या स्टेप्स लेता है टू स्टेम दिस लाइक ग्लट ऑफ रूपी, की रूपी नीचे गिर रहा है तो उसके लिए आरबीआई क्या स्टेप्स लेते हैं. एंड देन देर इज अ मेंशनिंग ऑफ लाइक एफ पी आई एंड एफ आई आई. स्टूडेंट शुड नो दैट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एफ पी आई आई एंड एफ आई आई. और लाइक रीजन मेंशन है कि लाइक वाई द रूपी हैज स्लाइडेड अगेंस्ट द लाइक डॉलर एंड इट्स लाइक एंटिसिपेशन ऑफ अ लार्जर क्रूड प्राइस. लार्जर क्रूड प्राइस का दाम होगा तो एंटिसिपेशन है लाइक इंडिया विल हैव टू सेल मोर डॉलर ओवर इट. डॉलर का डिमांड ज्यादा हो रहा है अगेंस्ट द रूपी, सो द रूपी वैल्यू हैज गॉन डाउन अगेंस्ट द डॉलर. एंड देन देर इज लाइक ऑल्सो देर इज लाइक जो एफ पी आई आई और एफ आई आई हैं दे आर लाइक पार्किंग देयर मनी फ्रॉम इंडिया टू चाइना एंड अदर इन्वेस्टमेंट मार्केट फॉर द बेटर रिटर्न. तो ये सब बेसिक टेक अवेज हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दैट दैट द स्टूडेंट शुड नो एंड दे कैन प्रिपेयर वेयर फॉर देयर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये बेसिक टेक अवे है दिस आर्टिकल जो स्टूडेंट कैन एक्सट्रैक्ट. गौरव सर, एक क्वेश्चन है मेरा. यहाँ पे एक टर्म मेंशन है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. एंड देर इज अनदर टर्म जो इसी से बहुत सिमिलर लगता है, साउंडिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. तो इज देर अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? There is not as such difference, but FII comes under the FPI only. एक broader term है FPI, उसके अंदर ही FIIs हैं. FIIs में like से pension funds हैं या और बाकी funds हैं जो Indian markets में या कहीं और markets में invest करते हैं. They are like FIIs. Like FPIs में common person भी है, portfolio investment करना चाहता है तो वो कर सकता है. तो FPII के अंदर FII आ रहा है. तो this is a basic like difference between the two. So now I'll invite Manish sir to carry this discussion forward. I have two articles, one from Business Standard and one from Mint. The very first article is talking about the water security, है ना, and why we need to reuse the waste water, है ना. तो in this report, this article, the author is using two reports. One है, जो पहला है वो composite water management index report of नीति आयोग, जो 2018 में रिलीज किया गया था. According to this report, more than approximately 6 million people are suffering from water related issues in India. स्ट्रेस, जो वाटर स्ट्रेस वो फेस कर रहे हैं. दूसरा इसमें रिपोर्ट, इस आर्टिकल में है, वो है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स, जो मेट्रोलॉजी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, 2023 वाज द ड्राइस्ट ईयर ऑफ ग्लोबल रिवर्स. बिकॉज ऑफ दैट, जो वाटर रिजर्वियर्स में इनटेक होता है वाटर, वो कम हो गया है, और जो वाटर लाइन जो जनरली होती है वो रिसीड कर रही है ना. तो और इसके साथ ही जो नॉर्मल एक्टिव इवेपोरेशन रेट होता है वो भी बढ़ गया. तो इंडिया की बात कर रहे हैं, मई और जून के महीने में. तो व्हाट इज दिस एईटी? इट इज ए प्रोसेस बाय विच वाटर इज इवेपोरेटेड, सॉइल से हो गया या प्लांट से हो गया, जो इवेपोरेशन होता है. ओके, अलॉन्ग विद दिस द थर्ड इंफॉर्मेशन इज दैट की एनुअल पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज डिक्रीजिंग इन आवर कंट्री, है ना. और एज फार एज द रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर इज कंसर्न, हम अभी 28% ही ये रीयूज कर रहे हैं वेस्ट वाटर को. तो इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है गवर्नमेंट के रिसेंट इनिशिएटिव में रेगुलेशन की, जो बात करता है 50% रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर बाई द बल्क कंज्यूमर्स. तो जो बल्क कंज्यूमर्स हैं वो हैं जो जिनकी पर डे का कंजम्पशन मोर देन 5000 लीटर्स है. ये कोई हाउसिंग सोसाइटी भी हो सकती है, और मेनी हाउसहोल्ड्स भी हो सकते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री भी हो सकती है. तो इस आर्टिकल में जो की तीन टेक अवे है, की टेक अवे,
वह ये जो दो रिपोर्ट दिया गया है, इंडेक्स नीति आयोग का, और ये जो दूसरा है आपका स्टेट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको आप मेंस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डायनेमिक टॉपिक है, इसका यूज पेपर 1, 2, 3 और इवन यू कैन से यू कैन राइट इन एसे ऑल्सो। प्रीवियस ईयर में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं कि इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन आया था 2021 में, वाटर क्रेडिट पे क्वेश्चन आया था 2021 में, मेंस में आपको सेलियंट फीचर ऑफ जल शक्ति अभियान का क्वेश्चन आया था, इन द सेम वे 2000 में आपको मेजर्स टू इंप्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम पे क्वेश्चन आया था। द सेकंड आर्टिकल दैट आई एम गोइंग टू सर ये डिस्कस इज फ्रॉम मीन। लेकिन बिफोर लाइक मूविंग टू नेक्स्ट आर्टिकल आई लाइक टू नो दैट इज देयर एनी एग्जांपल ऑफ वाटर यूज सॉर्ट ऑफ का कुछ यस यस एग्जांपल है वेस्ट इन द वाटर यूज. स्टेट ऑफ इन द यूनियन टेरिटोरी ऑफ दिल्ली देयर इज यू नो मेनी सच एग्जांपल। फॉर एग्जांपल डीडीए इज यूजिंग वेस्ट वाटर फॉर यू नो हार्वेस्टिंग सेक्टर में उसको यूज कर रहा है। वैसे ही दिल्ली के स्कूल्स में 100% मैंडेटरी किया गया कि आपको वाटर को रीयूज करना, वेस्ट को ट्रीट करना है, ठीक है। तो दूसरा आर्टिकल है, इट इज अबाउट पीएम गति शक्ति स्कीम। तो ये स्पेशली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि स्कीम से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें जो की इंफॉर्मेशन दो है बच्चों के लिए, वो है पहला कि ये स्कीम कब रिलीज हुआ था, तो दैट वाज 13 अक्टूबर 2001, और इसका जो पर्पज था वो प्रोवाइडिंग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू वेरियस इकोनॉमिक जोन। जो की कंपोनेंट है इस स्कीम के वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल 7 सेक्टर्स की बात की जाती है, जो इसके 7 इंजन कहा जाता है, रेलवे है, रोड है, पोर्ट्स है, वाटरवेज है, एयरपोर्ट्स है, प्लस मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेज सेशन। थैंक यू ऑल।